हाँ जी दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आपने ये तो समझ लिया कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता क्या है, और अब हमें ये भी समझना पड़ेगा सब्लिमेशन प्रिंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या है, हम कहाँ पर ये प्रिंटिंग कर सकते हैं और कहाँ पर ये प्रिंटिंग हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप पहले से कलर कॉम्बिनेशन को एक बार समझने की कोशिश करें। सपोज हम एक ब्लू पेन मार्केट से स्टेशनरी शॉप से खरीदते हैं, हम इस ब्लू पेन से अगर वाइट कलर के पेपर पे लिखते हैं तो हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लू पेन है। पर अगर हम इसी ब्लू पेन से किसी कलरफुल कागज़ पे लिखेंगे, शायद रेड पर, ब्राउन पर या ग्रीन कलर पर, तो इस कलर की टोन बदल जाएगी। आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लू पेन है या कोई और कलर का पेन है, ये ब्लैक पेन है। और अगर आप इसी ब्लू पेन से ब्लैक कलर के पेपर पर लिखेंगे तो शायद आप बता भी नहीं पाएंगे कि पेन चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है। तो इन तीनों केसेस में पेन हर बार ब्लू ही है, पर हमें एक नया रिजल्ट दिखता है। तो दरअसल हम जो देखते हैं वो बेस कलर प्लस पेन के इंक के कलर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी पेपर के कलर प्लस ब्लू मिलकर के जो नया कलर बनता है वो हमें दिखता है। यही एग्जैक्टली सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे कलर क्या है और हम किस कलर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नया कलर क्या बन के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे इमेज प्रिंट किया है एक टी शर्ट पर, या हमने वाइट टी शर्ट पर प्रिंट किया है, तो हमें एग्जैक्टली एक फाइन कलर का इसमें फील आ रहा है। पर हम अगर हम सेम इमेज को हम किसी कलरफुल टी शर्ट्स पर हम प्रिंट करेंगे तो मर्ज होने के बाद इसकी टोन बदल जाएगी, एक एक नया कलर का कॉम्बिनेशन रंग हमें नज़र आएगा। और यही प्रिंटिंग अगर हम एक ब्लैक कलर की टी शर्ट्स पर कर देंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक कलर में कोई भी कलर मर्ज होकर के नया कलर ब्लैक ही रहेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग का सेटअप जब हम लगा चुके हैं तो बाकी आइटम्स, तो जितनी भी हार्ड सर्फेसिज है वो तो 100% सब्लिमेशन प्रिंटेबल है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग हम कर पाएंगे। टी शर्ट्स में आप ये मान के चलें, सब्लिमेशन प्रिंटिंग का सेटअप लगाने के बाद आप करीब 25% के आसपास टी शर्ट्स की लाइन का काम कवर करते हैं। तो दरअसल टी शर्ट्स प्रिंटिंग में बहुत सारी मशीनें और बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। आपने भी सुना होगा टी शर्ट्स में ऑयल प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, विनाइल प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग, सब्लिमेशन प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडिंग, बहुत तरह की प्रिंटिंग टी शर्ट्स के ऊपर होती है। तो जिसमें से एक प्रिंटिंग होती है ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग का भी एक सब सेगमेंट है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग हम हीट से ट्रांसफर करते हैं, तो हीट से ट्रांसफर में एक प्रिंटिंग तो हमारी सब्लिमेशन प्रिंटिंग होगी। इसके अलावा हम लोग विनाइल प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग या स्टिकर प्रिंटिंग वगैरह भी हम हीट प्रेस से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उसको कुछ इस तरीके समझेंगे, विनाइल प्रिंटिंग की बात और कर लेते हैं हम इस छोटे सेगमेंट के अंदर। ये टी शर्ट हमारी विनाइल प्रिंटिंग है। इसमें हमने गोल्डन, व्हाइट, ब्लू, येलो चार कलर की विनाइल का इस्तेमाल किया है। विनाइल प्रिंटिंग की परिभाषा ये कहती है कि जो हमें प्रिंट करना है डिजाइन, हम उस कलर की विनाइल को प्लॉटर से कटिंग करते हैं। इस तरह का ये विनाइल का टुकड़ा है, कंप्यूटर में हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, प्लॉटर से हमने कटिंग कर लिया, कटिंग किया तो हमारा वो जो डिजाइन है वो रेडी हो जाएगा। उसमें से वेस्ट पार्ट निकाल देंगे तो बाकी केवल डिजाइन हमारा रह जाएगा, वो टी शर्ट्स पे रखेंगे और ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ये विनाइल प्रिंटिंग हो जाएगी। तो तीन मशीनरी के हम लोग इसमें जिक्र कर रहे हैं, कंप्यूटर डिजाइनिंग के लिए, प्लॉटर कटिंग के लिए और हीट प्रेस मशीन इसको ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरह से एक और डिजाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मल्टी कलर जो फोटो प्रिंट हो गई है, इसमें हमने डार्क हीट ट्रांसफर पेपर इस्तेमाल किया। डार्क हीट ट्रांसफर पेपर को हमने पहले प्रिंट कंप्यूटर में डिजाइन किया, प्रिंटर से प्रिंट किया, प्लॉटर से कटिंग कर दिया और हीट प्रेस मशीन से हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रिंटिंग के अंदर हमारी चारों मशीनें लग गई, कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हीट प्रेस। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब हम एक प्लॉटर और लगा लेते हैं, प्लॉटर प्लस विनाइल भी लगा लेते हैं, तो हम टी शर्ट्स की लाइन का अब करीब 50-60% तक काम कवर कर लेते हैं। यानी 25% काम हम कवर कर रहे थे सब्लिमेशन प्रिंटिंग से, वहाँ पर हमारी लिमिटेशन कलर वाइज थी, हम ब्लैक कलर की टी शर्ट्स पे प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, हम रेड पर येलो प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, मिस डार्क कलर पर लाइट कलर हम लोग सब्लिमेशन से प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, पर वो कलर कॉम्बिनेशन हम लोग विनाइल प्रिंटिंग के अंदर हम वो भी कवर कर लेंगे। तो कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हीट प्रेस, जब ये चारों मशीन हम लोगों ने लगा ली हैं तो हम टी शर्ट्स की लाइन का 50% ज़्यादा काम कवर करेंगे, प्लस सब्लिमेशन लाइन का 100% हम काम कवर कर लेते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी है हमें, है ना। तो इसके बाद डिपेंड करेगा हमें